अगले 4-6 रोज में किसी दिन भी अनाउंस हो सकता है। आज के जो हालात हैं देश के, उससे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा कोई मेजोरिटी के साथ रिपीट कर ले। जिस तरह से उनके बहुत सारे पार्टनर जो हैं उनसे अलग हुए और कुछ इस तरह के फैसले आए जिससे आम आदमी परेशान हुआ। एक तो जो नोटबंदी थी उससे हर आदमी पे प्रभाव पड़ा, और नोटबंदी के साथ साथ जो GST आई थी, GST में आज तक भी मेरी ख्याल बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनको ये पता ही नहीं कि किस गुड्स के ऊपर कितना GST लगा हुआ। हर रोज इसके फार्मूले बदले जाते हैं। इससे जो छोटा व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसका बिजनेस 30% रह गया। आपके मेरठ में कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ जहाँ हमारा रोज का वास्ता व्यापारियों से रहता है। वो लोग जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा भाजपा को लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, व्यापारी वर्ग ने जिस तरीके से BJP को लाने के लिए एक स्पोक्समैन के रूप में काम किया, आज वो हताश है, दुखी है, परेशान है। मुझे लगता नहीं कि दोबारा से BJP को लाने में वो मदद करेगा। भाजपा जहाँ बड़े बहुमत के साथ आपके UP में जीत करके आई, लोकसभा के 2 बाई इलेक्शन हुए, 3 हुए और कोई असेंबली के भी हुए, उनमें भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब जिस तरह के गठबंधन हुए उससे लगता नहीं कि भाजपा UP में फिर से उसी तरह से